छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। मुझे लगता है कि आपके सितारे को आपके सयारों से ही खतरा लाहक है। क्या मतलब तारा बाबा? भाई आपका जो सितारा है ना, ये टिमटिमा रहा है आपके सिक्योरिटी के चौथे घर का, और आपके हिफाजती इकदाम की कमी के बायस आपकी जान और माल को खतरा लाहक है। समझ में आई कुछ बात? अरे तारा बाबा, अगर मैं इतनी समझदार होती तो नासा में नौकरी नहीं कर रही होती। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, आप बताइए ना। देखो बच्चा, तुम्हारी जान और माल को खतरा है, इसके लिए तुम एक काम करो, तुम कोई काबिले एतमाद भरोसे वाला दलेर चौकीदार रख लो। अच्छा तारा बाबा, तो बस फिर मैं ऐसा करती हूँ कि गुलाम को कहती हूँ कि हाथ में डंडा ले और गेट पर बैठ जाए। ओहो बच्चा, नहीं बच्चा, सबसे खतरा लाहक है अपनों से तो खास तौर पे। भाई इसके लिए यह है कि कोई भरोसे वाला एतमाद वाला चौकीदार अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर तारा बाबा मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, ऐसा कहां से मिलेगा? मरीख से। मरीख से? मगर वो यहां आएगा कैसे? मैं जा रहा हूं ना मरीख, तो मैं वहीं से कोई बंदोबस्त कर लूंगा आपके महाफिज का, जो आपकी और आपके घर की हिफाजत कर सके, जो ईमानदार भी होगा और दलेर भी होगा। हाय सच तारा बाबा, बस तो ठीक है, आप जल्दी से भेज दें, जैसा आप कहेंगे ना मैं वैसे ही करूंगी। अच्छा तो फिर। हाँ हाँ, मैं समझ गई, आपकी टाइम ट्रेवलिंग और ट्रांसपोर्ट फीस है ना, मैं अभी देती हूँ। बहुत समझदार हो गई हो बच्चा, माशाल्लाह बहुत समझदार हो गई आप। वो भी आने देती थी। मैं तो कहती हूँ अभी यही रख लो, जब बाकी काम हो जाएगा ना फिर दूंगी। अकेले बोर होंगे। अच्छा चले ठीक है, मैं चलता हूँ। जी जी जी। हेलो खान साहब, क्या हाल है? बस फटाफट तैयारी पकड़े आप, आपके रहने और नौकरी का बंदोबस्त मैंने कर दिया है, और व्हाट्सएप चेक कर लेना, उस पर मैंने अपना NIC नंबर दिया है, उस पर फटाफट मेरा कमीशन सेंड कर दें। हाँ ओके ओके, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। हाँ भाई, कहाँ के रहने वाले हो तुम? मैं सामने बस्ती के रहने वाला। सामने बस्ती के? मगर तारा बाबा ने तो कहा था कि तुम मरीख से आए हो। तारा बाबा ने बोला मैं मरीख? वही कैसे बात कर, उसने ऐसा बोला हुआ आपको? मैं वो उसको जाके पूछेगा, छोड़ेगा नहीं मैं। तुम्हें ये तो मालूम है ना कि मेरे सितारे के पीछे दुश्मन पड़े हुए हैं, और यहाँ तक कि मेरे अपने भी मेरे दुश्मन हो गए। ओ तोबा 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 तोबा, तुम फिक्र नहीं करो, बिल्कुल आपा बिल्कुल फिक्र नहीं करो। आपा उठो, फौरन उठो और निकलो यहाँ से, तुम्हें ये नौकरी नहीं मिल सकती। तो मैं आपको खाला बोलेगा? क्या क्या खाला? निकल जाओ, फौरन निकल जाओ, चलो चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी एक और बात मेरा सुनो, अभी मैं तेरे को अपने छोटा बहन बोलेगा, ठीक है? हाँ ये कुछ ठीक रहेगा। छोटा बहन आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं आपका रखवाली करेगा। है बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये एक मसला है। मसला? क्या मसला है? वो मेरा ये एक मामू है। लो तो इसमें मसले वाली क्या बात है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका एक भी मामू नहीं होता। वो छोटा मैडम आप समझ नहीं रहा, हमारा मामू जो है वो गांव से आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, गांव से आ रहा है, तो क्या हुआ, तुम उसको वापस भेज दो। मैडम मैं उससे झूठ बोला है ना, मैंने उसको बोला है कि हमारा शहर में बहुत बड़ा बंगला है, हमारा नौकर चाकर है, हम अमीर कबीर आदमी है, अगर उसको पता चल गया और उसने गांव में जाके बोला तो मेरा तो बड़ा बेइज्जती होएगा। तो भाई इस सिलसिले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वो ये करो कि एक दिन के लिए मेरे को ये घर दियो ना, मैं उसको बताएगा मैं यहाँ का मालिक है, तो फिर उसके बाद उसको जल्दी से पारक करके वापस करेगा। चलो ठीक है। गुलाम गुलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।
ये आज से हमारा चौकीदार है। बेगम, हमारे घर में कोई कीमती शय है जिसके लिए चौकीदार रखा जाए? है ना ससुर जी, इस घर की सबसे कीमती चीज यही है। नहीं नहीं लड्डू, वाकई यार वाकई। हाँ ना ससुर जी, जो चीज जितनी कदीम होती है वो उतनी ही कीमती होती है ना। बात यार देखो, ये लड्डू तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो यार? ये बातें करते हैं यार इस तरह? यार कैसी बात कर दी मैंने? ऐसा क्या कह दिया ससुर यार तुमने? तो अभी क्या क्या बोल रहे हो तुम? ये गुलाब और लड्डू बस करो, अब मेरी बात कान खोल के सुन लो कि ये हमारा आज से नया चौकीदार है। बस इसके साथ एक मसला है कि इसके मामू गांव से शहर आ रहे हैं आज, और आप दोनों ने इसके मामू के सामने नौकर बन के रहना है। अच्छा अच्छा बेगम, खुदा का वास्ता कुछ करने से पहले सोच तो लिया करें। बस जैसा मैं कह रही हूँ ना वो ही करना है, ठीक है? अच्छा ये बताइए कि मेरी फाइलें रख दी गाड़ी में? हाँ सारी रख दी फाइलें गाड़ी में मैंने। बस ठीक है, मैं जा रही हूँ ऑफिस। और हाँ, हनी से कहिएगा कि वो अपने कमरे से बाहर ना आए इसके मामू के सामने, वरना वो उसको भी नौकर समझेगा। चलो मैं जा रही हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ولا ورز مزه د پختو ننګ دے جنگ مے پو وطن دے ولا ورز ما ولا دو وا خلمو ابے و یرا میرے لیے جا کے ایک کپ قہوہ لے کر آونا ابے ابے او ابے او مامو آ گیا کیا و مامو تو یار ابھی نہیں آیا بھائی नहीं आए? इसको तो मैं बताता हूँ। हाँ। उड़ जाओ और सीधा दरवाजे बाहर चले जाओ। फालतू में फ्री होने की जरूरत नहीं है, समझ आई? चलो चलो गेट पे चलो चलो। ओ यार भाई, तो ऐसे आप लोग दोनों को रिहर्सल करा रहा था? कोई जरूरत नहीं है रिहर्सल कराने की, रहने दो, हम पहले से ही मंजे हुए अदाकार हैं। चलो चल बाहर बाहर निकल। मेरे को लगता है मेरा बेइज्जती हुआ है ना। बकायदा हो रहा है। चलो लगता है चलो। यार देखो यार कैसे करता। हाँ जी बच्चू, और तुम्हें ना उनकी बेटी बन के रहने के लिए कहा है, खुद कहा था मम्मी जी ने। ये क्या मैं? वैसे लड्डू मामा कितनी अच्छी है ना, मुझसे कितना प्यार करती है, उनको मेरी कितनी फिक्र है ना। हाँ वो तो दिख ही रहा है, बैठे बिठाए तुम एक चौकीदार की बेटी बना दिया। लड्डू लड्डू यार लड्डू, चौकीदार का मामू आ गया यार। तो ससुर जी तो हफ्ते हफ्ते क्यों आए हो, जाओ। नहीं नहीं मैं यार, तू जल्दी आ जा यार, सामान बहुत है उसके पास, मुझसे अकेले से नहीं उठाया जाएगा। तो मम्मी जी ने तो कहा था वो एक दिन के लिए आया, तो सामान लेके क्यों आया है? अब ले आया तो मैं क्या करूं, मैं क्या हुआ? आज जल्दी आ जा यार, मैं बाहर। क्या मुसीबत है भाई? चल चल चल। खाना खराब, तुमको किसने बोला कि हम वापस जा रहे? मैं सुना था मामू आप वापस जाएगा। वो मरा, हम तो 3-4 महीने इधर रहने के वास्ते आए। 3-4 महीना रहेगा? हाँ। अच्छा बात सुनो जी मामू, ये दोनों कौन है? ये वो, ये मारे नौकर है, ये बड़ा है गुलामू, और ये छोटा लड्डू है लड्डू। वो 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 यारा, इधर शहर में आके तो तुम्हारा बोट आज बांटोगे। अल्लाह का करम है, हमारा नौकर है, हमारा घर है, सब कुछ है इधर। हाँ हाँ हाँ, मैं इनका ड्राइवर हूँ। वो वो, अच्छा बात सुनो जी माम, बड़ा अपने नौकर को बोलो कि हमारा वास्ते दुम्बा कढ़ाई बनाए, बहुत भूख लगा है यार। दुम्बा कढ़ाई? अच्छा ये बताएं भाई, हम दुम्बा लाए कहाँ से? किधर से भी लाएगा, दुम्बा जाएगा कढ़ाई में, फिर हमारा पेट में। अच्छा अच्छा देखिए, अगर दुम्बा ना मिले तो हम बकरे की कढ़ाई में ऊन डाल के ले आए। यार अकरम खान, यार तुम्हारा कैसे नौकर है यार, इसको पता ही नहीं है। यार सुनो ना, क्या बोल रहे मामू, क्या बोलते तुमको यार? अरे तो क्या करे भाई, अपने गोश्त की कढ़ाई बना के ले आऊं। ओ बात सुनो, ना हम आराम कहते हैं, ना हमने कभी कहा है, और ना किसी को यहाँ कहने देगा। मामू ठीक कहते हैं ना? ठीक है मामू, हम कोशिश करते हैं। लाए मालिक 4,000 रुपए दे। चार हजार कितने होते हैं? हजार के 4 नोट होते हैं। हजार के 4 नोट। अच्छा तुमको पता ही नहीं है 4,000 कितना होता है? हम तुमको जानता है, तुम तो एक कंजूस, शक्ल से कंजूस लगता है।
तुम्हारा नजर इधर हमारा जेब पे है, देता है सारा जिंदगी देता रहे भी देगा। मैं भांजा है तेरा, देगा तो क्या करेगा। यो दुआ दरे चिपका नहीं हो ना सलोर, यो दुआ दरे सलोर, लो पकड़ो और बात सुनो, ये जब तक वापस नहीं करेगा ना 20 रुपए रोजाना मुनाफा देगा, इसको बता दो। आप दे देना ना, मामू सही कहता है भाई। जाओ ले आओ ले लो, कोई ऐसी बात नहीं, रख लो। बस ये जहन में रखना कि गोश्त जो है ना वो हलाल हो। हाँ चुप छा बड़ा चुप छा। वाखला वरका, ये लो ये रहा। दा वरका। एक और ले आओ भाई। ओ 10 रुपए। ये किस लिए मामू? ये रात को हमारे वास्ते बीफ बिरयानी भी तो बनाएगा। किस सुबह की? अच्छा अगर इस 10 रुपए में से कुछ बच जाए उसका क्या करूं? जनाब सुबह नाश्ता भी तो करेगा मुर्ख चोले के साथ। ओ मामू अच्छा सर जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये सब चीजें हम पकाएंगे कैसे? देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे ये सब बनाना नहीं आता है यार, ये बता रहा हूँ तुम्हें मैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम ना सब कुछ बाजार से मंगा लेते हैं, इन्हें कहाँ पता चलेगा। वैसे ही पठानी ने कहा पता चलेगा कि हमने खुद बनाई है, बाजार से लाए। वैसे पापा लड्डू ये सारे खाने के नाम सुन के ना मेरे मुँह में भी बहुत पानी आ रहा है। देखो बात सुनो हनी, अगर मुँह में तुम्हारे ज्यादा पानी आ रहा है तो तुम जाके कुल्ली कर लो पौधों में, समझे? सुबह से पानी नहीं दिया उनको। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अरे इनकी फरमाइश सुन सुन के हमारी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। अरे ससुर जी छोड़े ना इन बातों को, मुझे तो लगता है ये यहाँ लंबा रहने के इरादे से आए। मम्मी जी ने तो कहा था सिर्फ एक दिन की बात है। मम्मी जी को आने दो तुम्हारी, फिर देखना। बीबी शीरी ने जड़े गुले लबा देवा चवसुरी शाल जुड़ल सुना बीबी शीरी ने। वाह 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 वाह, इधर तो देखो नौकर लोग कैसे मजा आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, खुशगपियों में मजबूर है और हमको कोई यहाँ पर पूछने वाला ही नहीं है। किधर मर गया वो अकरम खाना? वो अकरम किधर है? वो अच्छी मामू है। क्या हो गया? इधर तो देखो नौकर लोग मजा कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं और हमको यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा है। मामू हम आए ना तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुमको पहले भी बोला तुमको फिक्र करने का जरूरत नहीं है। वो अकरम खाना ओकर तजिने सोख दे, कौन लड़की है? ये मेरा बेटी है। तुम्हारा बेटी है? आओ पख्तो पोएगी। आओ का ना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो पश्तो भी बोलते, ये तो वाकई तुम्हारा बेटी। वो खाना खराब, तुमने शादी कब किया जो इतना बड़ा बेटी तुम्हारा आ गया? ये मेरा शादी से पहले का बेटी है ना। तुम्हारा समझ नहीं आएगा मामू, आप अंदर आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा हाथ पैर दबाएगा, तुम्हारा सर दबाएगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस तो पोएगी लड्डू। अनी बेटे जी पापा बस तो पोएगी। यरा अकरम खान जी मामू। यार तुमने अपने इस नौकर को कितने सर पे चढ़ाया हुआ है, देखो इधर औरतों के घर के औरतों के बीच में बैठा हुआ है। मामू ड्राइवर भी इंसान ही होते हैं। इंसान होता है, फटा हुआ पैंट पहना हुआ है, चुप हो के बैठो। ताकि ये सूखा पापड़ खाओ। तेरा अकरम खाना जी मामू, ये तुम्हारा बच्ची जो है ना जी जी बहुत प्यारा है। अच्छा माशाल्लाह, मगर ये तुम्हारा पे नहीं गया यार, ये तो अपना मामू पे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामू, बिल्कुल ठीक कह रहे। बस हमने फैसला कर लिया है। आपने फैसला कर लिया? हम इस बच्ची का शादी
अपना बेटा गजब गुल से करेगा। ओए हेलो, क्या क्या हो गया? हाँ क्या हो गया, क्या हो गया अकरम खाना? जी जी मामू, हमको तुम्हारा इस ड्राइवर का नियत अच्छा नहीं लगता है। इसके आंख में देखो बेईमानी है, इसको पारिक करो अभी, इसको पारिक करो। जी जी जी, एक मिनट यार, तो मेरा बात सुनो भाई। अच्छा मामू, मामू यार मेरा बात सुनो भाई। पटा हुआ पैंट पहन के इधर बैठा है हम लोगों के बीच में। मैं बता रहा, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। ओ यार मेरा बात सुनो, मेरा इज्जत का सवाल है, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता। वो मेरी बीवी के बारे में बात कर रहा है, मम्मी जी ने नहीं कहा होता ना तो मैंने एक मिनट किसी की नहीं सुननी थी। मैं बता रहा हूँ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसका मतलब ही नहीं, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगा। अल्लाह का, मेरा बात सुनो यार, मैं तेरे को अल्लाह का वास्ता देता, मेरा बात सुनो। अभी तुम अपना जोश काबू में रखो ना, आओ मेरा साथ आओ, मेरा जल्दी से मेरा बात सुनो। आज 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 अकरम खाना जी, तुमने अपने इस ड्राइवर को पारिक कर दिए? मामू मैंने इसको आखिरी वार्निंग दे दी है, अब ये ख्याल करें। ठीक है, वो हम तुमको बोल रहा था कि हम इस बच्ची का शादी अपना बेटा गजब गुल के साथ तय कर रहे हैं, तुमको कोई एतराज तो नहीं है? मामू ये नहीं हो सकता है। वो क्यों नहीं हो सकते, खाना खराब? वो मामू इसका शादी हमने बचपन में तय की है। वो खाना खराब, ये तुमने क्या गजब किए? मामू मैं क्या करता है, इसका माँ ने मरते वक्त वसीयत किया था। क्या वसीयत किया था? कि इसका शादी इधर जिधर हम बोलते उधर करो, मैं उसका शादी उधर किए। वो खराब है, ये तुमने कितना बुरा खबर सुना है। अच्छा ये बताओ, वो लड़का अपना बरादरी का है? वाह हमारा बरादरी का है, बिल्कुल पक्का बरादरी का है। वाह 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 वाह, क्या मजे का बात किया है यार। बस हमने फैसला कर लिया है। फिर फैसला कर लिया? हम इस बच्ची का शादी यहाँ अपने सामने धूमधाम से करके जाएगा। तुम उस लड़के को बुलाओ। समझ में नहीं आता है मैं क्या करेगा यार, मेरा मामू वापस जा नहीं रहा, उधर से मेरा मालिकन वापस आ जाएगा, तो मैं क्या करेगा? देखा रहीम यार खान, वो यार मेरा नाम अकरम खान है, तुम और तपा रहे मुझको। अरे वही 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 अकरम खान, मुकर्रम खान, कोई भी हो, बात सुनो, तुम अपने मामू को यहाँ से भेजने की करो, क्योंकि तानी बेगम इसी बात में इजाजत देके गई थी कि जब तक बाहर हूँ तो बाहर हूँ, जब वापस आ गई तो सब कुछ तहस नहस कर दूंगी मैं। बात सुनो, तुम्हारी जो मामू है ना, अजाब हो गए हमारे सर पे। हाँ मैं बता रहा हूँ, इनकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं, और अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, मैं हाथ पे छोड़ देता हूँ, कत्ल हो जाता मेरे हाथ से। लड्डू नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, बुरी बात, गुस्सा नहीं करते भाई, गुस्से का बहुत तेज है लड्डू। अच्छा खैर, ये बताओ कि तुम्हारे मामू को पढ़ना लिखना आता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आता, सफा अनपढ़ अनपढ़। अच्छा ये भी आप ही नहीं मैं ही। देखो भाई बात सुनो, बात ये है कि बिना पढ़ा लिखा होना गिरा पड़ा होने से बेहतर है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा बताओ रे, क्या है क्या है? इसको गौर से सुनो। तेरी शहर में कबायली रिहायशियों की तलाश में पुलिस घर घर छापे मार रही है, छापे मार रही है भैया, छापे मार रही है। यार लड्डू मसला हो गया यार, मसला हो गया, हम आपके नए पड़ोसी हैं, हमारी कुछ मदद करें, हमारे घर पे एक मेहमान आए हैं जो कि दूसरे शहर से आए, उसे पुलिस उठा के ले गई है। लेकिन पता तो चले पुलिस ऐसा कर क्यों रही है? ये कानून आज ही नाफिज हुआ है, आज ही। प्लीज खुदारा हमारी कुछ मदद करें, वो हमारे मेहमान को बहुत मार रही है। बहुत मार रही है? नहीं भाई नहीं, नहीं हम मदद नहीं कर सकते भैया, हम तो खुद परेशान है, हमारे घर भी एक मेहमान आया हुआ है भाई। ससुर जी एक नहीं दो? हाँ हाँ,
दो दो मेहमान आए हुए, हम तो खुद परेशान है भैया। क्या मतलब, तुम लोग का तो अल्लाह ही हाफिज है, हम लोग चलते हैं। हैं हैं हाँ भाई, अकुट भी ऐसे लगाते हैं, वो लाल कर देती है मार मार के। तुमने पुलिस की पिटाई देखी? पुलिस की मार अल्लाह ना दिखाए, क्या मारते हैं, लटकाते हैं ऊपर और फिर जो धुनाई करते हैं डंडे में कीले लगी होती है, कीले कीले, और उसमें लिखा होता है आजा मोरे बाल मा तेरा इंतजार। अरे भैया दाए आ दाए आ। चलो ना देर हो रही है। बस एक मिनट, लड्डू आता ही होगा। ओए बहुत बुरी एक्टिंग की वैसे तुम लोगों ने, ये ले कड़क इति का नोट, 1000 रुपए हैं पूरे। ये क्या लड्डू, तूने 1000 रुपए? तूने तो एक्टिंग के 2000 रुपए बोले थे। अबे कौन देगा तेरी शक्ल पे 2000 रुपए? ये तो इस लड़की की वजह से दे रहा हूँ, इसने अच्छा काम किया। हाँ भाई का कोई ख्याल ही नहीं है। हाँ पर डैडू ने तो मुझे 3000 रुपए का वादा किया था। बात सुनो बीबी, 3000 रुपए में ना प्रोफेशनल एक्ट्रेस आ जाती है सरीचे हाथ, समझी? अच्छा अच्छा, तू 1000 और दे दे, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा देता हूँ मेरे पप्पू, उठाओ 1000 का नोट और वो रहा दरवाजा। चलो चलो शाबाश चलो। मामू सारा सामान हो गया। भाई यार फोन बज रहा है, कोई उठा ले फोन, पक पक में लगे हुए अपने यार। इसको देखो बंद कर। हेलो जी 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 बेगम, जी बेगम हैं, बात कर रहा हूँ। सुनिए आपका फोन है। हमारा फोन है। हेलो सलाम अलैकुम जी बेगम साहब। देखो मुझे जरूरी काम से इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है, अब तुम ही इस घर के रखवाले हो। अच्छा ये गुलाम तुम्हारा फोन? मेरा फिर फोन बात करो। जी बेगम जी, चौकीदार के मामू कहीं नहीं जाने चाहिए, मैं कुछ दिन के बाद आऊंगी, तब तक सब वैसा ही चलना चाहिए जैसा मैंने कहा था, सुन लिया ना आपने? लेकिन बेगम मेरी बात तो सुने। मैं बस कह दिया ना मैंने गुलाम। अरे भाई उसके मामू ने मेरे कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करने का वादा किया, समझा करो बेगम। क्या हुआ ससुर जी? ससुर जी क्या वही हुआ जो मैं सोच रहा हूँ? तुम्हारा इज्दवाजी सितारा 2 सितारे छोड़कर किसी और कहकशां में दिलचस्पी दिखा रहा है। अभी पापा होते ना तो मेरे डड्डू का आधा बोझ हल्का हो जाता। हाँ जी, अपने होने वाले ससुर को ढूंढ के लाऊंगा। अगर इस तरह अटक अटक के ढूंढोगे ना तो आलम बरजख में ही भिजवा देना। मुझे तो ना दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।